कम बैक टू मैच। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे वर्क करता है, तो फ्रेंड क्या इसका काम होता है, ये सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले। तो प्लीज कंप्लीट वॉच करना इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर करना फ्रेंड के साथ और कमेंट करना अगर आपको कोई डाउट है तब, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स आप अपने वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में देखने वाले हैं आईपी क्या होता है और आईपी कितने तरह के होते हैं। तो फ्रेंड्स, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म सारी जानती होगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। अब नेक्स्ट एन आईपी एड्रेस द यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट और लोकल नेटवर्क। आईपी एड्रेस क्या होता है, ये एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि एक डिवाइस को या हर डिवाइस को जो इंटरनेट से कनेक्ट होने वाली होती है उन पर एक आईपी एड्रेस जरूर होता है, उनका एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि एक पर्टिकुलर डिवाइस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी जो है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, विच इज द सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेट ऑफ डेटा सेंड बाय द इंटरनेट और लोकल नेटवर्क। ये क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि बताता है कि ये जो डेटा शेयर करा गया इंटरनेट पर वो कौन सी डिवाइस से शेयर करा गया है या कौन सी नेटवर्क से शेयर करा गया है। तो हर नेटवर्क का, हर डिवाइस का एक अपना आईपी एड्रेस होता है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है उन डिवाइसेस का। तो जब भी कोई इंटरनेट से डिवाइस कनेक्ट होने वाली होती है या जो भी डिवाइस कनेक्ट होती है इंटरनेट से, जब इंटरनेट को कुछ चीज़ शेयर करती है तो उन डिवाइस का आईपी एड्रेस इंटरनेट पर पहुंच जाता है कि इस डिवाइस से ये चीज़ शेयर करी गई है इंटरनेट पर, तो उसको एक यूनिक एड्रेस होता है तो वो पहुंच जाता है, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि ये डिवाइस यहाँ पर स्थित है या इस डिवाइस से भेजा गया है। क्योंकि कई सारे डिवाइस इंटरनेट तभी तो बनता है जब कई सारे लोकल नेटवर्क से वाइड एरिया नेटवर्क मिलकर बनाते हैं, तो इतने सारे नेटवर्क से बनते हैं तो कई सारे कंप्यूटर यूज़ होते हैं, तो हर कंप्यूटर को एक नेम तो दे दोगे तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा, तो इसलिए सबको एक अलग अलग नाम दिया गया है, अलग अलग आईपी एड्रेस होता है ताकि उनको एक अलग से पहचान सके कि हाँ ये इस कंप्यूटर से भेजा गया है या इस डिवाइस से भेजा गया है, ताकि अगर कोई फ्रॉड होता है तो उसे पकड़ सके। ठीक, तो इसलिए हर चीज़ को एक अपना अलग नाम दिया गया है, अलग आईपी एड्रेस दिया गया है। नेक्स्ट फ्रेंड, इन एसेंस आईपी एड्रेस आर द आइडेंटिफायर दैट अलाउज इन्फॉर्मेशन टू बी सेंड बिटवीन डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। आईपी एड्रेस क्या करता है, ये अलाउ कराता है कि जो इंफॉर्मेशन सेंड करी गई डिवाइस के बीच में कि हाँ ये दोनों डिवाइसेस हैं जो कनेक्टेड हैं, इनके बीच में ये चीज़ शेयर करी गई है, ठीक, नेटवर्क के बीच में, तो उन दोनों का आईपी एड्रेस चेक कर अपने आप ही नेटवर्क में पहुंच जाता है। जैसे कि आप ब्लूटूथ यूज़ करते हो तो ब्लूटूथ में जब आप दूसरे पर्सन का ब्लूटूथ एक्सेप्ट करते हो कि हाँ इसने फाइल सेंड करनी है मुझे, तो उसको पहले एक्सेप्ट करूँगा मैं कि हाँ ये एक्सेप्ट हो जाएगा तब वो भेज सकेगा वहाँ से। सेम ऐसे ही होता है आईपी एड्रेस, जब तक अगर दूसरा पर्सन का आईपी एड्रेस आपके पास नहीं होगा तो आप उससे कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर सकते, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, कनेक्शन नहीं हो सकता आपकी। दे कंटेन लोकल इन्फॉर्मेशन एंड मेक डिवाइस एक्सेसिबल फॉर कम्युनिकेशन। यह करता है जो लोकल इन्फॉर्मेशन होती है डिवाइसेस की उनको कंटेन करता है और उनको कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। द इंटरनेट नीड अ वे टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स। द इंटरनेट जो होता है वो एक रास्ता प्रोवाइड करता है बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में, ताकि वो बात कर सकें, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। वेबसाइट्स प्रोवाइड कराता है इंटरनेट, ताकि वो अपना डेटा जो है उन पर शेयर कर सकें सभी कंप्यूटर्स को, और उसके लिए उनका आईपी एड्रेस भी लिया जाता है, जो कि आपको पता नहीं कब ले लिया जाता है, लेकिन वो रख लेते हैं कि हाँ ये इस डिवाइस से भेजा गया है। आईपी एड्रेस प्रोवाइड अ वे ऑफ डूइंग सो।
सो आईपी एड्रेस जो है यही काम करता है, एक रास्ता बनाता है ताकि कोई भी अलग कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकें, आपस में एक इंटरनेट पर शेयर कर सकें कोई भी चीज़। अगर आपने कोई चीज़ इंटरनेट पर शेयर करी तो आपका भी तो एक एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस जो कि वहाँ पर सेव हो जाएगा। अगर आप कोई गलत काम करते हो तो ये तो पता होना चाहिए कि किस बंदे ने गलत काम करा, अगर आपने करा है। और ये थोड़ी है कि दूसरे बंदे को पुलिस लेके जाएगी, आपको ही लेके जाएगी ना, सिंपल। तो इसलिए आपका भी कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए। तो आईडी प्रूफ क्या होता है, यहाँ पर आईपी एड्रेस होता है आपका आईडी प्रूफ कि इस डिवाइस से ये चीज़ काम करा गया है या ये चीज़ भेजा गया है, तो वो खुद ब खुद आपको ट्रैक कर लेते हैं। फिर अ वे ऑफ डूइंग सो एंड फॉर्म एन इनिशियल पार्ट ऑफ हाउ द इंटरनेट वर्क्स, और वो क्या करते हैं एक इनिशियल पार्ट को फॉर्म करता है जैसे कि एक इंटरनेट वर्क करता है, इसी तरह से इंटरनेट वर्क करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स आईपी एड्रेस जो होता है वो किस तरह का होता है, तो एन आईपी एड्रेस इज अ स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स, कैसा बना होता है नंबर्स का होता है, सेपरेट बाय पीरियड, जो सेपरेट करा जाता है पीरियड से, पीरियड मतलब यहाँ पर डॉट से फुल स्टॉप इससे ने पीरियड्स कहा जाता है आईपी एड्रेस के अंदर। ठीक, तो कई सारे नंबर्स का मिलके बनता है ये और उनको डिवाइड कर जाता है एक पॉइंट से। ठीक, आईपी एड्रेस आर एक्सपेल्ड एज सेट ऑफ फोर नंबर्स, चार नंबर्स का एक सेट होता है या चार ग्रुप मान लीजिए आप, उन नंबरों का एक सेट होता है। ठीक, एन एग्जाम्पल एड्रेस ऑफ माइट बी बी, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक आईपी एड्रेस है। ठीक, अभी ये नहीं पता किसका है लेकिन ये ऐसे एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है। ठीक, 192.168.1.30। और सबसे पहले फ्रेंड आगे भी पढ़ लें थोड़ा, ईच नंबर इज द सेट ऑफ, सेट कैन रेंज फ्रॉम 0 to, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर नंबर 192.168.1.30, इससे ज़्यादा क्यों नहीं होते फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा होते हैं लेकिन ये हमेशा 255 से ऊपर कभी नहीं होते। इसके अंदर 192 जो है इससे ज़्यादा बस 255 हो सकता है, यहाँ पर इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे 255 से कम ही कम होंगे। ठीक, जैसे यहाँ 1 है, 1 से ज़्यादा होते 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 255 तक हो सकता है लेकिन इससे 255 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक, 0 से लेकर 255 इनकी रेंज होती है हर एक ब्लॉक की। सो द फुल आई पी एड्रेस रेंज गोज फ्रॉम 0.0002 255 255 255 255। ठीक, हर चारों ब्लॉक की रेंज होती है वो 0 से लेकर 255 के रेंज के बीच में होती है, हर ब्लॉक की रेंज, मतलब कि हर ब्लॉक जो है इसमें वो 255 तक ले सकते हैं 0 से लेकर, लेकिन 255 से ऊपर नहीं ले सकते कोई भी आईपी एड्रेस के अंदर। तो फ्रेंड नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स आईपी एड्रेस कितने टाइप्स के होते हैं, तो फ्रेंड्स आईपी एड्रेस जो है यहाँ पर तीन टाइप के दिखा रखे हैं, कंज्यूमर आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड देन पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक, पब्लिक आईपी एड्रेस के भी दो टाइप्स होते हैं, डायनेमिक आईपी एड्रेस और स्टैटिक आईपी एड्रेस। ठीक, तो ये कंज्यूमर आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस ये सब अलग होते हैं, जो हम प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करते हैं उनके लिए होते हैं, और ये कंज्यूमर होता है जो हम खरीद लेते हैं। ठीक, और पब्लिक आईपी एड्रेस जो हम लोग लोकली यूज करते हैं हर रोज अपने डिवाइसेस के अंदर, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड सिंपली आईपी एड्रेस जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते थे, जिसमें आपको अभी बताया था मैंने। ठीक, और उनमें से जो पब्लिक आईपी एड्रेस हैं उनमें से जो मेन होते हैं दो, एक तो आईपी वर्जन 4 ये, और एक होता है आईपी वर्जन 6। ठीक, तो आईपी वर्जन 6 आगे पढ़ेंगे, आईपी वर्जन 4 देखते हैं पहले। आईपी वर्जन 4 वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ आईपी, जो आईपी वर्जन 4 था V4 वो पहला वर्जन था किसी भी आईपी एड्रेस का, जो कि अब चेंज हो गया, आईपी वर्जन 6 में भी हो चुका है, वो भी देखेंगे आगे। इट वाज डिप्लॉयड फॉर द प्रोडक्शन इन द आर्पनेट इन 1983। ये जो है आईपी वर्जन 4 जो डिप्लॉय करा गया था आर्पनेट के अंदर 1983 में, टुडे इट इज मोस्ट वाइडली यूज वर्जन, आज के टाइम में जो आईपी एड्रेस ज्यादातर यूज होता है वो आईपी वर्जन 4 ही यूज होता है। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क यूजिंग
एड्रेसिंग सिस्टम इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है, किस लिए? जो भी नेटवर्क से डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही आईपी एड्रेस होता है, आईपी वर्जन 4। अगर आपके पास डिवाइस हो कोई भी, तो आपके पास दोनों आईपी एड्रेस होंगे इंटरनेट से कनेक्टेड, आईपी वर्जन 4 भी होगा, आईपी वर्जन 6 भी होगा। लेकिन जो आपका डिवाइस कनेक्टेड होता है इंटरनेट से, तो ज़्यादातर आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी वर्जन 4 का ही यूज़ किया जाता है कि आपका लोकेशन कहाँ है, आप कहाँ से अपलोड कर रहे हो डेटा को। नेक्स्ट है फ्रेंड, द आईपी वर्जन 4 यूजेस आर 32-bit एड्रेसिंग स्कीम अलाउइंग टू स्टोर 20 to 32 एड्रेस। मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी आईपी एड्रेस आप यूज करते हो 32-bit का होता है, वो हमेशा आईपी वर्जन 4 जो होता है, ठीक, वो होता है 32-bit का, मतलब कि 20 to 32 की पावर 32, ठीक। अब करके देखोगे आप तो 256 बैठेगा लगभग अप्रोक्सीमेटली, लेकिन उसको 2 into 2 की पावर 32 एड्रेस ही माना जाता है, ठीक, क्योंकि वो इसी बिट में स्टोर करा जाता है आपका एड्रेस जो होता है आईपी एड्रेस, विच इज मोर देन 4 बिलियन एड्रेसेस, जो कि 4 लाख डिवाइसेस एड्रेस इससे कनेक्टेड हैं, जो 4 लाख इंटरनेट डिवाइस कनेक्टेड हैं उनके आईपी एड्रेस इसी फॉर्म में होते हैं, ठीक। यह है टिल डेट, आज तक 4 लाख डिवाइसेज हैं जो कि ऐसी आईपी एड्रेस से वर्क करते हैं आईपी वर्जन 4 पर। इट इज कंसिडर्ड द प्राइमरी द इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड कैरीज 94% ऑफ द इंटरनेट ट्रैफिक, और जितना भी ट्रैफिक आता है इंटरनेट पर उसमें से 94% ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल ही यूज़ किया जाता है। प्रोटोकॉल कई सारे यूज होते हैं, लेकिन जो आईपी एड्रेस यूज करा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो 94% जो ट्रैफिक आता है वो आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल से ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, यहाँ पर सिंपली फ्रेंड, यहाँ पर आईपी वर्जन 4 जो होता है वो इस टाइप का होता है, जैसे कि अभी आपको दिखाया था 255, 255, 255, 255, 255, ये आईपी वर्जन 4 ही होता है, ठीक। नेक्स्ट है फ्रेंड, आईपी वर्जन 6 के बारे में देखते हैं अब। तो फ्रेंड, आईपी वर्जन 6 क्या होता है यहाँ पर, ये देखेंगे अब। इट इज़ द मोस्ट रीसेंट वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये कुछ सालों में ही इसे रिलीज किया गया था। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स इनिशिएट इट इट अर्ली 1994 में इसका इन्वेंशन जैसे क्रिएट किया गया था। किसने क्रिएट किया था? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने इसे क्रिएट किया था। द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द दैट सूट इज नाउ कॉल्ड आईपी वर्जन 6। जो उसका डिज़ाइन था और उसका डेवलपमेंट किया गया था सूट का आईपी वर्जन 6 का, इसे आईपी वर्जन 6 नाम दिया गया था, IPv6, ठीक। दिस न्यू आईपी एड्रेस वर्जन इज बींग डिप्लॉयड टू फुलफिल द नीड फॉर मोर इंटरनेट एड्रेसेस। जब आपको पता ही है, अभी मैं बताया था कि 4 लाख इंटरनेट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं आईपी वर्जन 4 से, ठीक। तो जब इससे ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं तो कहाँ से एड्रेस लाएंगे, तो उस चक्कर में उस चीज़ को, कमी को पूरा करने के लिए आईपी वर्जन 6 का इन्वेंशन किया गया था, इसको डेवलप किया गया था, ताकि उस जो एड्रेसेस हैं, क्योंकि इंटरनेट की डिवाइसेस लगभग रोज ही बढ़ रही हैं कई सारी, ठीक, तो उस चीज़ को, कमी को पूरा करने के लिए आईपी वर्जन 6 लाया गया है, ताकि कोई भी डिवाइस बिना आईपी एड्रेस के ना रहे। इट वॉज एम्ड टू रिजॉल्व इश्यू विच आर एसोसिएटेड विद आईपी वर्जन 4, जो कि प्रॉब्लम हो रही थी आईपी वर्जन 4 के साथ, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईपी वर्जन 6 का इन्वेंशन हुआ है। क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम ये तो नहीं है कि हर डिवाइस को कनेक्ट करने का 255 से कर करके सारी डिवाइसेस हो जाएं, क्योंकि डिवाइसेस कोई सारी कई बिलियंस हैं, तो उनको तो आईपी एड्रेस सेम नहीं, कई बार ऐसा होता है सेम हो जाती हैं, लेकिन उनको सेम नहीं रखना है ना, यूनिक करना है, तो इस चक्कर में आईपी वर्जन 6 का यूज़ किया गया है, ताकि हर डिवाइस को एक अपना नाम मिल सके विद 128-bit एड्रेस। और जो आईपी वर्जन 6 है हमारा, उसका 128-bit एड्रेस होता है, लेकिन जो आईपी वर्जन 4 था उसका कितना था? उसका था 32-bit, और लेकिन इसका कितना है? 128-bit, ठीक। इट अलाउज 340
अनडेसिलियन यूनिक एड्रेस, और ये जो है 350 अनडेसिलियन डेसिलियन यूनिक एड्रेस स्पेस है। ठीक, याद रखना फ्रेंड्स, ये जो है क्या अलाउ करता है, 340 अनडेसिलियन यूनिक एड्रेस। ठीक, और आईपी वर्जन 4.6 आल्सो कॉल्ड आईपीएनजी, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन, इसे ये भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन आईपीएनजी। ठीक, आगे तो फ्रेंड्स इसके बारे में आपने पढ़ तो लिया आईपी वर्जन 6 क्या होता है, लेकिन आप आईपी वर्जन 6 देख लीजिए अब थोड़ा। ये होता है फ्रेंड्स आईपी वर्जन 6, ये इस फॉर्मेट में होता है, 128 बिट एड्रेस स्पेस यूज करते हैं ये आईपी वर्जन 6 के अंदर। और जो आईपी वर्जन 4 होता है उसके अंदर कौन से करते थे, 32 बिट एड्रेस स्पेस। तो इसके अंदर फ्रेंड्स हम ए बी सी भी यूज कर सकते हैं। ठीक, उसके अंदर क्या था, सिर्फ नंबर थे, वो भी कहां से कहां तक, आईपी वर्जन 4 के अंदर जी उस लिखे 255 तक, और कितने ब्लॉक्स थे, 4 ब्लॉक्स थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ताकि हर इंटरनेट डिवाइस को अपना एक नाम मिल सके, तो इस फॉर्म में तो मिल ही सकता है शायद। ठीक, तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं आप थोड़ा। तो फ्रेंड्स एग्जांपल्स दिखा देता हूँ आपको दोनों के एक बार, और आईपी एड्रेस के, फर्स्ट आईपी एड्रेस वर्जन 4, ठीक, जो कि इस फॉर्म में आपको दिखाया था मैंने, 255 तक, और 4 ब्लॉक्स, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक और 4 ब्लॉक। ठीक, ये आई पी वर्जन 4 था, जो कि 0 से लेकर 255 हर ब्लॉक के अंदर होते हैं, और हर डिवाइसेस के अंदर एक यूनिक एड्रेस नहीं आ पाए। इसी काम को सॉल्व करने के लिए आई पी वर्जन 6 का निर्माण किया गया, जो कि 128 बिट का होता है एड्रेस स्पेस का। ठीक, क्योंकि इस वक्त इंटरनेट डिवाइस पर डे बहुत बढ़ रही है, तो इसकी वजह से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में आईपी वर्जन 6 का डिप्लॉयमेंट हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आईपी वर्जन 4 ये होता है वर्जन 4। ठीक, और वर्जन 6, तो फ्रेंड्स ये है दोनों के बीच में डिफरेंस, और आईपी एड्रेस होता है ये, ताकि कोई भी डिवाइस जो है इंटरनेट से कनेक्टेड उसका एक अपना यूनिक नेम हो, अपनी अलग पहचान हो पूरे इंटरनेट के अंदर, तो उसे कहते हैं आईपी एड्रेस, जिससे वो डिवाइस पूरे इंटरनेट में अपनी एक अलग पहचान बना सके। नेक्स्ट फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड का शेयर करिएगा, और आपको कोई डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें, ताकि हम उसका सॉल्यूशन आप तक पहुँचा सकें। फ्रेंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं सबसे ऐसी वीडियो के साथ।